प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। आपने उस बोला ज़िंदगी में ग़िज़ाई अशिया में खट्टी, तल, मीठी और कड़वी अशिया का जो है वो तजुर्बा करते हैं। आज हम रोज़मर्रा ज़िंदगी में इस्तेमाल होने वाली खट्टी अशिया के बारे में मालूमात हासिल करेंगे। खट्टी अशिया में लीमू, दही, संतरा, मौसम्बी, आंवले, इमली जैसी अशिया शामिल होती हैं। प्यारे बच्चों, आप जानते हैं कि खट्टी अशिया का जायका उसमें मौजूद तेज़ाबी नौयत की मरकब की वजह से होता है, इसलिए आमतौर पर हम खटास देने वाले मरकबात को जो है वो तेज़ाब कहते हैं। लेकिन कीमियाई एतबार से ऐसी शय जो पानी के महलूल में हाइड्रोजन आयन देती है उसको तेज़ाब कहा जाता है। जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड का अगर तजिया किया जाए तो वो H+ और क्लोरीन माइनस आयन में जो है वो बढ़ जाती है। इस तरह से हाइड्रोजन आयन देने वाली शय को हम जो है वो तेज़ाब कहते हैं। इस बिना पर HCl जो है हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है वो एक तेज़ाब है। हाइड्रोजन आयन तैयार करने की बिना पर तेज़ाबों को या तेज़ाबी मरकबात को जो है वो कमज़ोर और कभी तेज़ाब इस तरह की दो किस्मों में जो है वो तकसीम किया जा सकता है। खुरदनी अशिया के अंदर जो तेज़ाब पाए जाते हैं वो कमज़ोर नौयत के होते हैं, इसलिए उन्हें हम आसानी से जो है वो इस्तेमाल करते हैं, चूँकि वो कुदरती अशिया से हमें दस्तियाब होते हैं। उसी तरह से तजुर्बाकार के अंदर जो तेज़ाब तैयार किए जाते हैं, जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड है, नाइट्रिक एसिड है, ये कभी तेज़ाब होते हैं। ये पानी के महलूल में जो है वो ज़्यादा मिकदार में जो है वो H+ आयन देने की सलाहियत रखते हैं, इसलिए इन्हें कभी तेज़ाब कहा जाता है। इस बिना पर जो है तेज़ाब की जो खसूसियात हैं उनको हम इस तरह से जो है वो बयान कर सकते हैं कि तेज़ाब जो है वो जायके के अतबार से जो है वो खट्टा होता है। जिस शय के अंदर जो है वो हाइड्रोजन आयन तैयार करने की सलाहियत होती है वो तेज़ाब कहलाती है। तेज़ाब को जब धातु के साथ कीमियाई अमल करवाया जाता है तो वो हाइड्रोजन गैस खारिज करते हैं। मसलन मैग्नीशियम को जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ जो है वो कीमियाई अमल करवाया जाता है तो नतीजे में मैग्नीशियम क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस जो है वो हासिल होती है। उसी तरह से तेज़ाब जब कार्बोनेट के साथ अमल करते हैं तो नतीजे में कार्बन डाइऑक्साइड गैस आज़ाद होती है। मसलन जब कैल्शियम कार्बोनेट को हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ जो है वो कीमियाई अमल करवाया जाता है तो कैल्शियम क्लोराइड, कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस खारिज होती है। तेज़ाब की पहचान के लिए जो है वो हम तजुर्बाकार के अंदर जो है वो लिटमस कागज़ का इस्तेमाल करते हैं। इस बिना पर नीला लिटमस जो है वो तेज़ाबी महलूल के अंदर जो है वो सुर्ख हो जाता है। तेज़ाब का इस्तेमाल जो है मुख्तलिफ जगह पर किया जाता है। कीमियाई खादों की तैयारी में तेज़ाब का इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा तेल की तखलीस, दवाओं का दवाओं के महलूल में, रंग धमाका के दहशत की तैयारी में जो है वो तेज़ाब का इस्तेमाल किया जाता है। मुख्तलिफ किस्म के जो है वो नमकियात तैयार करने में भी जो है वो तेज़ाब का इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा पानी को जो है वो जरासीम से पाक करने के लिए, कागज़ बनाने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा सबसे अहम इस्तेमाल अगर हमारी ज़िंदगी में देखा जाए तो हमारी जीन में मौजूद जो DNA होता है वो भी एक किस्म का तेज़ाब होता है, जो हमारी विरासती खसूसियात को अगली नस्ल में मुंतकिल करने के लिए जो है वो इस्तेमाल होता है। और हमारे जिसमें मौजूद रोगनी मादे जो हैं वो भी जो है वो तेज़ाब से ही जो है वो बनते हैं। इस तरह से तेज़ाब जो है वो हमारी ज़िंदगी के अंदर जो है वो एक अहम रोल अदा करता है। और तेज़ाब को जो है वो मुख्तलिफ मज़ाहिर का इस्तेमाल करके जो है वो हम उसकी जो है वो शनाख्त कर सकते हैं।